नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए हरियाणा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की आंधी आ चुकी है और मैं आपको बता दूं कि कैसे बीजेपी की सबसे बड़ी हार हो सकती है ये। मैं आपको पहले देखिए हमारे न्यूज 24 के नंबर्स बता देती हूं। हरियाणा आप सामने देख सकते हैं, बीजेपी 37 पर आगे है, कांग्रेस प्लस 48 पर आगे है, INLD 3 पे, JJP ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है, अदर्स 2 पर, और यही अगर हम जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं आपको पता है 90 सीटें हैं। देखिए बीजेपी 22 पे आगे, कांग्रेस 11 पे आगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 पर आगे, यानी आप देखिए उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की कितनी बड़ी जीत है कि NC यहां पर 40 पर आगे है, PDP महज 2 पर आगे है और अदर्स 15 पर। और आपको पता है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, तो अगर आप ये देखिए 51 ये हो जाता है तो बीजेपी यहां पर बहुत बुरा हार रही है। और दोनों ये क्योंकि इंडिया की सरकार यहां पर बनना तय है, और देखिए जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और देखिए 10 साल बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और इस तरीके से कांग्रेस और NC का गठबंधन अगर अपनी सरकार बना लेता है तो बीजेपी के लिए डेफिनेटली एक बड़ी हार है। और इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं, हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता पर बीजेपी बैठी है, लोकसभा में आपको पता है कि 5 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस उनसे छीन चुकी है, लेकिन अब विधानसभा में भी दिख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस प्लस आगे है। और देखिए अब मैं आपको कुछ बड़े नाम बता देती हूं हरियाणा में क्या खेल है। लाडवा से कार्यवाहक CM नायब सैनी पीछे चल रहे हैं बीजेपी से, या अर्ली ट्रेंड्स में मैं आपको बता रही हूं। गढ़ी सांपला से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही है। आपको पता है कि विनेश फोगाट के लिए कैसे पूरे देश में एक पूरा का पूरा माहौल बना था जब वो उधर से लौटी थी ओलंपिक से। फिर देखिए फिरोजपुर झिरका से नू हिंसा का आरोपी कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान आगे चल रहा है। आगे देखिए कि कैसे हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे चल रही है। आपको पता है कि बीजेपी ने सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दी थी और उन्होंने बगावत कर दी थी और अब वो आगे चल रही हैं। अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज पीछे चल रहे हैं, बड़ा चेहरा अनिल विज वो पीछे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। एलनाबाद सीट से INLD के अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, उचाना सीट से पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए JJP का अभी खाता भी नहीं खुला है, तो एक तरीके से आप ये खत्मी समझिए। जम्मू कश्मीर का बता देती हूँ, गांडरबल बड़गाम से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की तो पार्टी भी आपको पता है कितना आगे चल रही है। श्री गुफारा बिजबेहा से इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही है, यानी जो PDP महबूबा मुफ्ती की बेटी है ये, तो इस बार PDP कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। नौशहरा से बीजेपी अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा आगे चल रहे हैं। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्या दिख रहा है वो भी बता देती हूँ। न्यूज 24 पे क्या चल रहा था वो बता दिया है। अब देखिए हरियाणा में अगर आप देख सकते हैं तो बीजेपी यहां पर 35, कांग्रेस 29, INDA 1 और INLD 1, यानी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, JKN सबसे बड़ी यानी 39 सीट्स पे उमर अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, बीजेपी देखिए 23 पे, INDA देखिए 8 पे और कांग्रेस 7 पे। तो देखिए अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कैसे 2019 में क्या नतीजे थे। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत है कितनी बड़ी जीत नहीं है, तो देखिए 2019 के नतीजे मेरे सामने हैं। कुल सीटें 90, बहुमत का आंकड़ा यहां पर 46 है, बीजेपी 2019 में 40 सीटें लाई, कांग्रेस 31, JJP 10, INLD 1 और अदर्स 8। आपको पता है कि JJP और बीजेपी का गठबंधन हुआ था लेकिन इस बार वो लोकसभा में टूट गया और अब उनके बीच में कोई गठबंधन नहीं है। अब आप 2014 के भी देख लीजिए, क्यों मैं 10 साल की बात कर रही हूँ, इधर बीजेपी 47 सीट्स, INLD 19, INC 15, अदर्स 9। तो आप कांग्रेस के लिए देखिए कितनी बड़ी जंप है, 2014 में 15 सीटें, फिर देखिए कांग्रेस इधर 2019 में 31 सीटें, और अब अगर आप देख सकते हैं कि बहुमत के आंकड़े के पार है। और देखिए अब क्योंकि ये अर्ली ट्रेंड्स है, इसके बाद जो 12 साढ़े 12 एक बजे तक पूरी स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये तय है जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार दोनों राज्यों में बनना तय है और देखिए बीजेपी के लिए बड़ी हार होगी। और तो और एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज 24 देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.